नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल राजपूत है। मैं फाउंडर ऑफ फैमिली फर्स्ट फाइनेंशियल सर्विसेज का एमबीए फाइनेंस हूँ। 13 साल से कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा हूँ और आज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ एक फीचर रिच स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का अश्योर प्लान। एक बेहतरीन प्लान है जहाँ पे आपको मैटरनिटी के बेनिफिट मिलेंगे, जहाँ पे आपको एयर एम्बुलेंस का बेनिफिट मिलेगा। सपोज आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रहे हो या किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो और कंपनी से ऑलरेडी इंश्योरेंस कवर चल रहा है, तो वो डिडक्टेबल बेनिफिट लेकर के ये 50% तक सस्ते में ये पॉलिसी परचेज कर सकते हो। इसके अलावा भी इसमें बेहतरीन और भी बहुत सारे फीचर है जो मैंने डिटेल्स में इस वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। वीडियो पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरा यूट्यूब चैनल अनिल राजपूत FFFS जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ये पॉलिसी आप इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, फ्लोटर के तौर पे भी ले सकते हैं। इसमें 2 एडल्ट 3 चाइल्ड और अगर आप पेरेंट या पेरेंट इन लॉ को भी ऐड करना चाहते हो तो इसमें ऐड कर सकते हैं। ये पॉलिसी आप 1 साल 2 साल और 3 साल के भी ले सकते हैं। यहाँ पे पॉलिसी 18 साल से लेकर के 75 साल तक का व्यक्ति ले सकता है। अगर इंडिविजुअल पॉलिसी ले रहे हो, मल्टी इंडिविजुअल ले रहे हो, तो चाइल्ड के लिए आप 91 डेज से लेकर के 17 साल के बच्चे को भी ऐड कर सकते हैं। फ्लोटर में अगर आप बच्चे को ऐड करें तो 16 दिन से लेकर के 17 साल तक के बच्चे को भी इस पॉलिसी में ऐड किया जा सकता है। इस पॉलिसी में 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 50 1 करोड़ 2 करोड़ तक का इंश्योरेंस कवर भी आप पॉलिसी में ले सकते हैं। यहाँ पे आप अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तो बताना, अगर आप बताते हो तो एक मेडिकल टेस्ट के बाद में ये पॉलिसी आपको मिल जाएगी। और ये पॉलिसी में आपको रिन्यूअल्स हैं वो आप लाइफ टाइम रिन्यूअल्स करा सकते हैं। पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो जोन वाइज आएगा। जोन ए में दिल्ली है, सूरत है, अहमदाबाद है, वडोदरा, इस तरह की सिटीज़ हैं। जोन टू में आपको पुणे है, चेन्नई, हैदराबाद है, सिकंदराबाद है, नासिक है, इन सब सिटी को जोन टू में माना जाता है। जोन टू के हिसाब से प्रीमियम आएगा। बाकी अगर कोई भी सिटी है तो वो जोन थ्री के हिसाब से आपको प्रीमियम आएगा। बात करें पॉलिसी में मिड टर्म इंक्लूजन की, तो अगर आप न्यूली वेड स्पाउस को आप ऐड करना चाहते हैं या चाइल्ड को ऐड करना चाहते हैं तो आप इस पॉलिसी में इन बिटवीन ऐड भी कर सकते हैं। उनको एक वेटिंग पीरियड लगेगा अलग से, जैसे आपको लगता है वैसे ही, और अंडररेटिंग पे ये डिपेंड करता है कि वो आप ऐड कर रहे हैं वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आपको क्लेम कैशलेस बेनिफिट भी मिलेंगे, रीइंबर्स का भी बेनिफिट इस पॉलिसी में दिया गया। बात करें अगर रूम रेंट की, तो 5 लाख तक आपको जो रूम रेंट मिलेगा 1% ऑफ सम एश्योर्ड, यानी कि 5,000 तक का कमरा आप ले सकते हैं। 10 लाख 15 लाख 20 लाख और 25 लाख के लिए आप एनी रूम परचेज कर सकते हैं एक्सेप्ट स्वीट, और 50 लाख एंड अबोव के लिए आप कोई सा भी कमरा ले सकते हो हॉस्पिटल में। पहला वाला जो केस है 1% ऑफ सम एश्योर्ड 5 लाख, बहुत सारे लोग 5 लाख की पॉलिसी ले लेते हैं और इस वाले क्लॉज में अगर वो लेते हैं, सपोज अगर कोविड की सिचुएशन में आपको बताऊं, तो वहाँ पे एक दिन का कमरे का किराया 15-20-25 हज़ार था। तो सपोज अगर आपने ये 5 लाख की पॉलिसी परचेज करी और आप 5,000 के कमरे में रुक सकते हैं, और मान लो कमरे का एक्चुअल रेंट कोविड जैसे सिचुएशन में 25,000 था, यानी कि 80% आपको जेब से देना पड़ता है। तो 5 लाख का क्लेम आता तो 4 लाख तो आपको जेब से देना पड़ता, क्योंकि रूम का रेंट का सीधा सीधा डायरेक्ट को रिलेवेंट होता है आपके मेडिकल के बिल के साथ, डॉक्टर की फीस के साथ, सारी की सारी चीज़ों के साथ में। ऐसा नहीं कि सिर्फ कमरे का ही एक्स्ट्रा आपको पे करना, सारा मेडिकल बिल भी उसी प्रपोर्शन में लगभग आता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी ऐसा पॉलिसी परचेज करने से पहले देख लीजिए कोई लिमिट तो नहीं है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 5 लाख से ज़्यादा का ही कवर परचेज करें। प्रीमियम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, लेकिन बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। यहाँ पे आपको प्रोफेशनल डॉक्टर की जो सर्विसेज हैं, लाइक सर्जन, कंसल्टेंट, स्पेशलिस्ट जो भी हैं, उन सब की जो फीस है वो भी इस पॉलिसी में कवर होगी। इसके अलावा मेडिकल सर्विसेज है, लाइक ब्लड है, ऑक्सीजन है, एनेस्थीसिया है, ओटी चार्जेज है, आईसीयू चार्जेज है, दवाइयों का खर्च है, वो सारे के सारे इस पॉलिसी में कवर किए। एडमिट होने से पहले के 60 डेज के एंड 180 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर होगा। डे केयर कवर किए जाएंगे, ऐसे सारे ट्रीटमेंट जहाँ पे 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना अनिवार्य नहीं होता उसको डे केयर ट्रीटमेंट बोलते हैं, तो वो भी इसमें कवर किया जाएगा। यहाँ पे आपको एनुअल हेल्थ चेकअप का बेनिफिट भी मिलेगा कि सपोज आपका इंश्योरेंस कवर 5 लाख का है, इंडिविजुअल पॉलिसी आप परचेज कर रहे हो तो 1500 रुपये तक का, और फ्लोटर में 2500 रुपये तक आप हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं। 10 लाख की पॉलिसी में 2000 रुपये तक आप इंडिविजुअल पॉलिसी में हेल्थ चेकअप ले सकते हैं और 5000 रुपये तक आप फ्लोटर पॉलिसी में हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं। अलग अलग इंश्योर पे आप टेबल में देख सकते हैं कि आप कितना एनुअल हेल्थ चेकअप का बेनिफिट ले सकते हैं। तो रोड एम्बुलेंस में जो आपका एक्चुअल का एक्सपेंसेस होगा वो इसमें कवर किया जाएगा, और 10% ऑफ योर बेसिक सम एश्योर्ड तक आप एयर एम्बुलेंस का बेनिफिट भी ले सकते हैं। पॉलिसी में आपको होम केयर ट्रीटमेंट एंड डोमिसाइल ट्रीटमेंट दोनों का बेनिफिट मिलेगा। डोमिसाइल ट्रीटमेंट का मतलब होता है जहाँ पे सिटी में बेड ही उपलब्ध नहीं हो, कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए लाइक कोविड में हुई थी, या पेशेंट की ऐसी हालत हो जाए
कि वो एक स्थान पे दूसरे स्थान पे ले जाना उसके लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा है, तो डोमिसाइल ट्रीटमेंट का बेनिफिट मिल जाएगा। होम केयर का ट्रीटमेंट भी मिलेगा अगर प्रैक्टिशनर लिख के देता है, वहाँ पे आपका रेगुलर चेकअप होता है, डेली मॉनिटरिंग होती है, तो होम ट्रीटमेंट भी आप ले सकते हैं। इसको मॉडर्न ट्रीटमेंट लाइक रोबोटिक सर्जरी वगैरह, ये बेनिफिट भी इस पॉलिसी में मिलेंगे। इसके साथ साथ ऑर्गन डोनर के एक्सपेंस भी हैं, वो भी इस पॉलिसी में अप टू सम एश्योर तक कवर किए जाएंगे। मैं आपको आयुर्वेदिक, यूनानी, वेदा, इस तरीके के बेनिफिट भी इस पॉलिसी में उपलब्ध किए गए। प्लस अगर कोई दुर्लभ तरीके का अस्थमा हो तो अस्थमा के भी आप 10% तक बेसिक सम एश्योर या 5 लाख तक में आप अस्थमा का ट्रीटमेंट भी इस पॉलिसी में, इस बेनिफिट भी मिलेगा। अगर इस तरीके का कोई हेल्थ इश्यूज है तो उसके ट्रीटमेंट के भी जो एक्सपेंसेज है वो कवर किए जाएंगे। रिहैबिलिटेशन या पेन मैनेजमेंट लाइक पॉलीट्रॉमा है, हेड इंजरी है, स्ट्रोक है, डिजीज ऑफ द स्पाइन है, या अलग अलग तरीके के जो दर्द हैं, पेन मैनेजमेंट है, उसका यहाँ पे आप सीट में देख सकते हैं कि कितने अमाउंट तक आप इस तरीके का ट्रीटमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप इस पॉलिसी में सिंगल एसी प्राइवेट की जगह शेयर अकोमोडेशन का बेनिफिट लेते हो या शेयर अकोमोडेशन करते हो, तो वहाँ पे आपको 1,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपको मिल जाएगा। या आप ट्रीटमेंट करवाते हो वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइड नेटवर्क, जो स्टार हेल्थ के जो नेटवर्क हॉस्पिटल हैं वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर करके, तो यहाँ पर आप ट्रीटमेंट करते हो तो 5,000 रुपये तक का बेनिफिट आप वहाँ पर भी ले सकते हैं। बात करें पॉलिसी में कंपेसनेट ट्रेवल की, कि सपोज़ कोई हॉस्पिटल में एडमिट है और उनका करीबी बाय एयर के थ्रू हॉस्पिटल आना चाहता है वहाँ, तो आपको 10,000 रुपये तक का बेनिफिट इस कंपेसनेट ट्रेवल का भी मिलेगा। और रिपेट्रिएशन ऑफ मोर्टल रिमेंस, यानी कि अंतिम क्रिया जिसको आप कह सकते हैं, कैफीन का खर्चा है इस तरीके से, तो वहाँ पे भी 15,000 रुपये तक का इस पॉलिसी में आप बेनिफिट ले। ट्रीटमेंट IVF भी कहते हैं, आसान भाषा में समझना हो तो, क्योंकि असिस्टेंट रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट में बहुत सारे अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं, लाइक ICSI है, IVF आप बता दिया है, और भी UIUI करके इस तरीके के बहुत सारे ट्रीटमेंट होता है। अगर वो ट्रीटमेंट भी आप लेते हो तो इस पॉलिसी में कवर किए जाएंगे। सपोज आपका इंश्योरेंस कवर 5 लाख का है तो आप 1 लाख रुपये तक का IVF का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इंश्योरेंस कवर 10, 15, 20 या 25 लाख का है तो आप 2 लाख रुपये तक का बेनिफिट ले सकते हैं, और 50 लाख एंड अबोव है तो 4 लाख रुपये तक आप IVF बेनिफिट ले सकते हैं इस पॉलिसी। इन यूट्रो फेटल सर्जरी या रिपेयर का कवर भी इस पॉलिसी में मिलेगा। इसके साथ साथ मैटरनिटी बेनिफिट में नॉर्मल डिलीवरी हो या सीजेरियन डिलीवरी हो, 10% ऑफ योर बेसिक सम एश्योर तक डिलीवरी चार्जेस भी इस पॉलिसी में कवर किए। बात करें कवरेज फॉर न्यूबॉर्न बेबी के लिए, तो न्यूबॉर्न बेबी के कवरेज भी इस पॉलिसी में कवर किए जाएंगे। इंश्योरेंस कवर पर डिपेंड करता है कि इंश्योरेंस कवर 5 लाख से लेकर के 25 लाख के बीच में है तो 2 लाख रुपये तक का आप बेनिफिट ले सकते हैं, और इंश्योरेंस कवर 50 लाख एंड अबव है तो 4 लाख रुपये तक का न्यूबॉर्न बेबी का कवरेज भी इस पॉलिसी में आप बेनिफिट ले सकते हैं। पॉलिसी में सेकेंड मेडिकल ओपिनियन भी आप ले सकते हैं, किसी और डॉक्टर से कंसल्ट करना हो तो कर सकते हैं, और को पेमेंट अगर आपकी एंट्री 61 एंड अबव है तो आपको 10% का को पेमेंट लगेगा, यानी कि जो भी क्लेम का बिल आएगा उसका 10% आपको देना पड़ेगा, 90% तक कंपनी प्रोवाइड करेगी। कि नो क्लेम बोनस की, तो ये 25% एवरी क्लेम फ्री ईयर में मिलेंगे, यानी कि 10 लाख का कवर है, क्लेम नहीं किया तो 2.5 लाख रुपये से आपका इंश्योरेंस कवर बढ़ जाएगा। एवरी क्लेम फ्री ईयर पे 25% आपका इंश्योरेंस कवर बढ़ जाएगा। इसी में ऑटोमेटिक रीस्टोरेशन की, तो ऑटोमेटिक रीस्टोरेशन इसमें 100% तक आपको मिलेगा। जैसे ही आपका ट्रिगर हो जाएगा ये, तो सपोज 10 लाख की अपने पॉलिसी परचेज करी है और पहला क्लेम आ गया, तो अब ये आपका ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन है वो ट्रिगर हो जाएगा। उसके बाद जो भी क्लेम आएगा उसमें 100% तक आप ऑटोमेटिक ये जो कम्युनिटी बोनस है या रजिस्ट्रेशन बेनिफिट, इसका बेनिफिट ले सकते हैं। कैसे, मैं आगे आपको एग्जांपल से समझा दूंगा। दो अलग अलग व्यक्ति हैं, ए एंड बी समझ लीजिए, या इंश्योर्ड वन एंड इंश्योर्ड टू समझ लीजिए, वो पॉलिसी परचेज कर रहे 10-10 लाख रुपये की। अब पहला वाला केस समझिए, इंश्योर वन का 10 लाख की पॉलिसी ली, पहला क्लेम आया 5 लाख रुपये का, कंपनी ने पूरा 5 लाख रुपये पे कर दिया, अब बाकी जो है रजिस्ट्रेशन एक्टिव हो गया तो बाकी के 5 लाख रुपये आपके रजिस्ट्रेशन के ऐड हो जाएंगे। एक साल में एक साथ आप बेसिक सम एश्योर से ज़्यादा कभी भी क्लेम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्लेम का आया 15 लाख रुपये का, तो आपने 5 लाख रुपये जो आपका अब समझते हैं अनलिमिटेड जो रिस्टोरेशन है, जो ऑप्शनल राइडर के तौर पर अगर आप इसको लेते हैं तो किस तरीके से ये वर्क करेगा। समझते हैं दो व्यक्ति हैं, अलग अलग व्यक्ति हैं, और 10-10 लाख रुपए की वो पॉलिसी परचेज करके अगर उनके क्लेम अलग अलग तरीके से आते हैं तो कैसे आएंगे। फॉर एग्जाम्पल इंश्योर वर्क वन में देखिए कि उसने 10 लाख का इंश्योरेंस कवर लिया है,
और पहले साल ही उनको 10 लाख का क्लेम आ गया, सॉरी 5 लाख का क्लेम आ गया, तो कंपनी ने 5 लाख रुपए का क्लेम पे कर दिया, बाकी बेसिक सेमेस्टर को 5 लाख रुपए बच गया। अब क्लेम आ गया है तो आपका ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन एक्टिव हो जाएगा। एक और चीज़ बता दूँ कि एक साथ में आप बेसिक सेमेस्टर से ज़्यादा कभी भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। अब दूसरा क्लेम आया 15 लाख रुपये का, तो 5 लाख रुपये का आपका जो बेसिक सेमेस्टर बच गया था और 5 लाख रुपये का रजिस्ट्रेशन से आपको 10 लाख का क्लेम भी कंपनी ने पेड कर दिया, 15 में से 10 लाख कंपनी ने पेड कर दिया। अब तीसरा क्लेम है, वापस एक कस्टमर ने कर दिया है, वो 11 लाख रुपये का क्लेम किया है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, पूरे 10 लाख रुपये आपको रजिस्ट्रेशन बेनिफिट की वजह से पूरे 10 लाख का क्लेम आपको मिल जाएगा। अब इंश्योर टू का केस देखते हैं। इंश्योर टू में ऐसा बताया गया है कि 10 लाख की उसकी पॉलिसी है और 5 लाख का उसके पास नो क्लेम बोनस भी है, एनसीबी भी है। अब टोटल अमाउंट उसके पास 15 लाख रुपए। अब पहला क्लेम 5 लाख रुपए का आया तो बेसिक सम एश्योर्ड में से 5 लाख रुपए कंपनी ने दे दिए, बाकी बच के बेसिक सम एश्योर्ड में 5 लाख रुपए और 5 लाख का नो क्लेम बोनस बच गया है और ऑटोमेटिक रीस्टोर भी अब आपके लिए एक्टिव हो गया है। अब दूसरा क्लेम 15 लाख का आ गया तो पूरा 15 लाख मिल जाएगा, 5 लाख बेसिक सम एश्योर्ड का, 5 लाख नो क्लेम बोनस का और 5 लाख रीस्टोरेशन बेनिफिट की वजह से, तो पूरा 15 लाख का क्लेम हो जाएगा। और तीसरा क्लेम 11 लाख आया तो 10 लाख का रजिस्ट्रेशन बेनिफिट की वजह से आपको वो भी क्लेम मिलेगा, यानी कि आपने 10 लाख की पॉलिसी ली, आपको करीब 30 लाख रुपए का क्लेम का बेनिफिट मिल गया है। अब डिस्काउंट की बात करें तो फ्लोटर डिस्काउंट 40% तक है, लेकिन इम्पोर्टेंट है यहाँ पे डिडक्टिबल की, कि सपोज आपने कहीं मान लो जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे कंपनी की तरफ से आपको इंश्योरेंस कवर ऑलरेडी चल रहा है, या आपने पहले से कहीं इंश्योरेंस कवर लिया हुआ लेकिन आप ये पॉलिसी भी आपको बेहतरीन लग रही है और आप इसको लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 20 लाख रुपए की पॉलिसी परचेस कर ली और 1 लाख रुपये तक का आपने डिडक्टिबल रख दिया, कि सपोज 1 लाख रुपये तक का क्लेम आएगा ना, तब तक मैं स्टार हेल्प से क्लेम का अमाउंट नहीं लूँगा क्योंकि 1 लाख रुपए तक मेरा कहीं और से चल रहा है, वहाँ से मैं बेनिफिट लूँगा, तो आपको 50% तक प्रीमियम में डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिडक्शन की वजह से ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। बहुत सारी कंपनी में आप कोपे करवा करके थोड़ा सा प्रीमियम में डिस्काउंट लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आप डिडक्शन का बेनिफिट भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका इंश्योरेंस होना अनिवार्य नहीं भी हो तो भी आप डिडक्शन ले सकते हैं, कि भाई मैं 50,000 रुपये तक का क्लेम आएगा मैं जेब से भर दूंगा, इससे ऊपर का क्लेम आएगा तो मैं कंपनी में क्लेम कर लूंगा। तो 50,000 तक में आप देखेंगे कि आपको 55% तक 45% तक डिस्काउंट मिल रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपको इंश्योरेंस कवर कितना ले रहे हो, कितना आपको डिस्काउंट मिल रहा है, डिडक्टिबल का आप बेहतरीन यूटिलाइज कर सकते हो। डिडक्टिबल कैसे हुआ करता है, सिंपल एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लेते हैं कि आपने 50,000 रुपये का डिडक्टिबल लिया है, पॉलिसी 10 लाख की आप परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहला क्लेम सपोज आपका 50,000 रुपये का आ गया तो स्टार हेल्थ पे नहीं करेगी क्योंकि 50,000 का आपने डिडक्टिबल लिया हुआ, यानी कि स्टार हेल्थ आपको प्रोवाइड नहीं करेगी, तो पूरा 10 लाख का बैलेंस आपका बच गया है। अब दूसरा क्लेम आपका 65,000 रुपये का आ गया तो कंपनी पूरा आपका 65,000 का कंपनी क्लेम पे कर देगी, क्योंकि आप ऑलरेडी पहली बार वो डिडक्टिबल का अमाउंट है वो ऑलरेडी आप यूज़ कर चुके हैं। अब बैलेंस बचा 9,35,000 रुपये का, अब 9,35,000 का भी फ्यूचर में क्लेम आ जाएगा ना, तो वो भी मिल जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल पे थर्ड क्लेम 55,000 का लिखा है तो वो मिल गया, बाकी 8,80,000 बच गया है, तो 8,80,000 रुपये तक का भी क्लेम आ जाएगा तो भी कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी, जबकि क्योंकि आपने 50,000 का डिडक्टिबल लिया है, 10 लाख की पॉलिसी है, तो 45% का आपका प्रीमियम का डिस्काउंट हो गया। बात करते हैं पॉलिसी में वेटिंग पीरियड की, तो 30 डेज का वेटिंग पीरियड हर एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में रहता है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए आपको 3 साल का वेटिंग पीरियड है, स्पेसिफिक जो डिजीज हैं लाइक कैटरेक्ट हर्निया इस तरीके के आप हैं तो उसमें 2 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा आपके लिए। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए 30 महीने का यहाँ पे वेटिंग पीरियड है। डिलीवरी एक्सपेंसेस के लिए है उसके लिए आपको 24 महीने का वेटिंग पीरियड दिया गया है। IVF के लिए भी 24 महीने का वेटिंग पीरियड है। सब्सिक्वेंट डिलीवरी के लिए कोई वेटिंग पीरियड नहीं है और न्यूबॉर्न बेबी कवर के लिए 12 महीने का वेटिंग पीरियड है। तो फाइनली बात करें इस पॉलिसी में नॉर्मल जितने कवर है, ऑल डे केयर कवरेज, एमरजेंसी एयर एम्बुलेंस, प्री पोस्ट नर्सरी ऑर्गन डिलीवरी एक्सपेंसेस, होम केयर, असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट, आयुष, मॉडर्न ट्रीटमेंट, ये सारे इनबिल्ट हैं। लेकिन अगर आप एडिशनल प्रीमियम दे करके एड ऑन के तौर पे राइडर के तौर पे आप यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आपको एनुअल हेल्थ चेकअप अश्योर है, कंपेसनेट ट्रेवल है, रिपीटेशन ऑफ मोटल रिमेंस है, ट्रीटमेंट वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइड नेटवर्क है, शेयर अकोमोडेशन है और ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन ऑफ सम अश्योर,
ये इनबिल्ट नहीं है, इसके लिए आपको अतिरिक्त प्रीमियम दे करके आप अपनी पॉलिसी में ऐड करवा सकते हो। तो अगर मैं फाइनली इस पॉलिसी को समराइज करूँ तो एक बेहतरीन प्लान था जहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स इस पॉलिसी में दिए गए हैं। डिडक्टेबल के फीचर है, डिलीवरी एक्सपेंसेस के कवर है, ऑटोमेटिक रीस्टोर बेनिफिट के कवर दिए गए हैं एंड बाकी अपने सारे फीचर डिटेल्स में रखे हैं। और अगर वीडियो मेरा पसंद आया हो तो जाते जाते यूट्यूब चैनल अनिल राजपूत FFFS को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।